हे गाइस, वेलकम टू अमरीश क्लासेस। ज्योमेट्री की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में, इस टॉपिक में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल्स। बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके केवीएस के लिए, आपके डी ट्रिपल एस बी के लिए, आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको एंगल्स पढ़ा था। एंगल्स पढ़ते पढ़ते हमने बहुत आगे तक एंगल्स में निकल गए थे, यहां तक कि हम ट्राइंगल के टॉपिक एंगल सम प्रॉपर्टी में भी आ गए थे, क्योंकि वो भी एंगल से रिलेटेड था। सो, वो ट्राइंगल का एक छोटा सा टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स। थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक पढ़ेंगे और फिर उसकी तरफ एडवांस की तरफ चलेंगे। बेसिक के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी क्लियर करेंगे, क्योंकि आप सबको बेसिक्स आई थिंक मालूम होगा। जो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, थोड़ा बहुत चीजें नहीं पता होगी, वो आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सो, ट्राइंगल्स क्या है? ट्राइंगल्स आप सबको पता है, ट्राइंगल्स वो होता है जिसके वो एक ट्राइंगल एक थ्री साइडेड पॉलीगन है। ठीक है, एक पॉलीगन जिसके तीन साइड्स हो, 1, 2, 3, है ना, ये तीन साइड्स है, इसी को ट्राइंगल कहते हैं। तीन साइड का कोई भी पॉलीगन हो उसको हमेशा ट्राइंगल कहेंगे। तीन साइड आपकी कैसी हो सकती हैं, आपकी तीन साइड ये ऐसी ले लो, ये भी आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है, मतलब सब ट्राइंगल जितनी भी ऐसे तीन साइड की जो भी आप बना सकती हो, बना सकते हो, वो आपका ट्राइंगल होता है। सो, ये आपका क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया पी क्यू आर। ओके, ये आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल के बाद ट्राइंगल के अंदर जो जो चीजें होती है वो जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो आपके ये पॉइंट्स हैं, ये पी, ये क्यू, ये आर, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वर्टिसेस। ये क्या है आपके? दीज आर द वर्टिसेस या फिर कॉर्नर्स। वर्टिसेस और कॉर्नर्स भी कह सकते हो आप इसको, कॉर्नर्स। ये कौन से हैं? पी है, क्यू है, आ रहा है। ट्राइंगल के हमेशा कितने वर्टिसेस होंगे? तीन ही वर्टिसेस होंगे। ठीक है, वर्टिसेस के बाद आता है हमारे साइड्स। साइड्स आप सबको पता है, साइड्स कौन सी होती है? साइड्स ये होती है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। सो, पी क्यू एक साइड है, क्यू आर एक साइड है, एंड पी आर एक साइड है। ये तीन आपकी साइड्स है ट्राइंगल के अंदर, तीन साइड्स होती है, ये तीन आपकी साइड्स है, ये भी आपको पता है। उसके बाद वर्टिसेस हो गए, साइड्स हो गए, उसके बाद हमारे एंगल्स। एंगल्स का भी आई थिंक आपको पिछली लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है एंगल्स क्या होते हैं, कि जो ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं, जो इन तीनों एंगल्स होते हैं ना, इसको मैंने स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी लिख दिया। सो, सम ऑफ द ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स इज 180 डिग्री। आपको सबका पता है एंगल्स होते कौन से हैं? क्यू पी आर। ठीक है, एंगल क्यू पी आर, जो एंगल हमें लिखना होता है, जो एंगल हमें दिखाना होता है, जैसे पी वाला एंगल है उसको हम बीच में लिखते हैं। सो, क्यू पी आर, ये आपका एक एंगल है। दूसरा एंगल आपका क्या है? दूसरा एंगल आपका पी पी आर एंड क्यू। थर्ड एंगल आपका आर क्यू पी। ठीक है, ये तीन साइड्स होते हैं आपके ट्राइंगल के, और इन तीनों का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, अब आता है मीडियन। ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक ट्राइंगल है, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल पी क्यू आर, वही सेम ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल पे मैंने हर साइड पे एक मिड, हर साइड की मिड पॉइंट पे मैंने लाइंस ड्रॉ करी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पी था, सो इस पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट कौन सा है? ये इसका मिड पॉइंट है। सो, यहां एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ऐसे इसका मिड पॉइंट यहां पे आएगा। सो, मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ करी। सिमिलरली, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं आएगा। सो, मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो जब मैं ये तीन लाइन ड्रॉ करूंगा, ये तीनों मीडियंस, इनको मैंने नेम कर दिया ए बी सी। ठीक है, सो ए इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, सी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एंड बी इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, सो जो ये लाइन्स होती है ना, जो ये लाइन्स होती हैं, जैसे ये पी ए, जो ये लाइन है पी ए, इस लाइन, ये लाइन क्या है? ये इस क्यू आर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, कर रही है ना, क्योंकि ये अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये दोनों जो है ये इक्वल होंगे, दोनों इक्वल हाफ हो गए। ये पूरा था, ये ए मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल हाफ हो गए ना। तो पी ए, जो ये पी ए वाली लाइन है, पी ए जो ये पी ए लाइन है, वो क्यू आर को, पी ए जो लाइन है वो क्यू आर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, कर रही है ना। तो जो पी ए है, ये आपका क्या है? मीडियन है। इसको हम कहते हैं मीडियन।
समझ आ गया मीडियन का मतलब, मीडियन क्या होता है। तो इस लाइन को हम मीडियन, पी ए जो लाइन है इस लाइन को मीडियन कहेंगे। सिमिलरली जो मेरा ये है पी क्यू जो लाइन है उसका मिड पॉइंट क्या है सी है, तो जो लाइन क्यू जो लाइन सी आर है जो लाइन आर सी जो ये लाइन है ये पी क्यू को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, तो जो ये हमारी लाइन है आर सी इसको हम क्या कहेंगे मीडियन कहेंगे फिर से। सिमिलरली हमारा थर्ड केस है पी आर, इस पी आर के केस में जो हमारा क्यू बी लाइन है वो पी आर को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, सो क्यू बी इज माई मीडियन। तो इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं, जो हमारे साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। और एक बात और है, इतना पॉइंट समझ आया ठीक है। अब आपकी जो तीनों लाइन थी, ये तीनों लाइन आपने ये तीनों मीडियंस बना दिया ट्रायंगल के ऊपर जिन्होंने आपके तीनों साइड्सों को थ्री इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। अब जो ये डिवाइड कर दिया तो ये जो तीनों लाइन्स हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन इस पॉइंट पे आके मिल रही है ना, ये जो पॉइंट है यहां पे आके मिल रही है, तो जो ये वाला पॉइंट होता है, जो ये पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड। और ये क्या थी आपके तीनों, क्या थी आपके ये तीनों आपके मीडियंस थे, तो जो तीनों मीडियंस, तो सेंट्रोइड क्या होता है जब जो हम ट्राइंगल पे थ्री मीडियंस बनाते हैं, एग्जैक्टली तीन ही मीडियंस होते हैं, हो सकते हैं ट्राइंगल पे, तो ट्राइंगल के जो हमने थ्री मीडियंस बनाए वो थ्री मीडियंस मेरे एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं, सो जिस पॉइंट पे आके वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सेंट्रोइड कहते हैं। समझ आ गई सेंट्रोइड क्या होता है। मीडियन क्लियर हो गया, सेंट्रोइड क्लियर हो गया, वर्टिसेस साइड्स एंगल ये सब क्लियर हो चुका है। अच्छा इतना होने के बाद, इसके बाद अब देखो, अब आता है एक नई बात, एक और नई बात सुनो। इतना तो ठीक है हो गया, अब मैंने एक और ट्रायंगल बनाया ठीक है, मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, मैंने ये ट्रायंगल बनाया ठीक है, इसको भी मैंने पी क्यू आर ही दे दिया, कोई नई चीज नहीं है। अब आपको मैं कहूंगा कि मैंने ना इस बार एक लाइन बनाई है और ये 90 डिग्री है ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने एक साइड लाइन खींची, ये मेरा क्या था राइट एंगल लाइन, मतलब एक सीधी लाइन खींची स्ट्रेट, जो इस लाइन पे स्ट्रेट हो। समझ आ रहे हो कि जैसे अगर मान लो ऐसी लाइन है तो मैंने ऐसी लाइन नहीं खींची है, अगर ऐसी लाइन है तो मैंने मैंने एकदम स्ट्रेट यहां से 90 परपेंडिकुलर लाइन खींची है, परपेंडिकुलर। अब बात समझ आ गई, तो ये ऐसी लाइन परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ, यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी क्यू आर के परपेंडिकुलर लाइन। सो इससे मैं क्या कह सकता हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहां मैंने ए लिख दिया, तो मैं लिख सकता हूं दैट पी ए इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी ए जो है वो क्यू आर के क्या है परपेंडिकुलर है। तो अब मैं यहां पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि एक ऐसी लाइन पी ए जैसे मेरी एक ऐसी लाइन है जो मेरे क्यू आर के परपेंडिकुलर है, जो मेरे एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और जो अपोजिट साइड है, जो मेरा ये वर्टेक्स है इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, सो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। ये हमारा क्या है एल्टीट्यूड है, समझ आ गया। एल्टीट्यूड क्या होता है, वो लाइन जो वर्टेक्स से शुरू होती है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होती है, कैसे भी कह सकते हो आप, सो उस लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। अब आप मेरे से बोलोगे कि सर एल्टीट्यूड और मेरा मीडियन, तो मुझे एक ही चीज दिख रही है, मैंने आपको मीडियन नहीं बताया ना, ये वाली लाइन मेरी क्या है मीडियन है, ये तीनों लाइन आपकी मीडियंस है ना। आप कहोगे सर एल्टीट्यूड और मीडियन में तो आपने कोई डिफरेंस है ही नहीं, एक ही चीज है ये तीनों, तो नहीं एक चीज नहीं है, ये आपका यहाँ पे आपका, क्योंकि ये आपका एक इक्विलेटरल काइंड ऑफ ट्रायंगल बना था, मतलब तीनों मतलब एक सिमेट्री दिख रही थी पूरे ट्रायंगल में, इसलिए आपको लग रहा था। मैंने एक नया ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बनाता हूं, लो अब बताओ, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना दिया, चलो और सब तो छोड़ो, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना दिया। अब इस ट्रायंगल में बताओ, इस ट्रायंगल पे इस साइड से जब मैं इस वर्टेक्स से इस साइड पे क्या बनाऊंगा मीडियन बनाऊंगा, तो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा ना, इसका मिड हाफ है, इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ये आपका मीडियन है, तो ये आपके इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है ठीक है, ये आपका क्या है, ये लाइन आपकी क्या है मीडियन है ना ठीक है। अच्छा और इस पॉइंट से इस लाइन पे इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर जो मैं ड्रॉ करूंगा वो मेरा क्या होगा
वो मेरा एल्टीट्यूड होगा। तो क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है? नहीं है, ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? परपेंडिकुलर लाइन तो मेरी यही वाली है, जी साइड, यही लाइन मेरी परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे मेरी यही वाली लाइन तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, तो जो ये वाली लाइन है, ये लाइन मेरी क्या है? एल्टीट्यूड। अब समझ आ गया दैट एल्टीट्यूड और मीडियन जो है वो टू डिफरेंट थिंग्स है। वो आपके जो एक सिमेट्री लगती है, एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल आ जाता है, तो उसमें देखने में सेम लगती है, बट एक्चुअली में एल्टीट्यूड एंड मिड पॉइंट या फिर मीडियन इज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक ट्राइंगल बनाया ऐसा, ये, और मैंने यहां पे लाइन ऐसे खींची, ये। अब बताओ इसमें आपका मिड पॉइंट इस पॉइंट पे, और साइड्स देखो, ये सिर्फ एक साइड के लिए नहीं है, ये हर साइड के लिए। सिमिलरली इस साइड से मैं यहां पे लाइन खींचूंगा, अगर ये 90 डिग्री, देखो मैंने लाइन थोड़ी गलत खींची है, ये 90 डिग्री नहीं बना रही, तो मैं इसको मीडियन नहीं कहूंगा, मैं इसको एल्टीट्यूड नहीं कहूंगा। मैं एक तरीके से मैं कह सकता हूं मीडियन, क्योंकि मैंने मिड पॉइंट बना दी, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा एल्टीट्यूड का है। अच्छा मैं अब एक पॉइंट बनाता हूं कि यहां से मेरा 90 डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री में स्ट्रेट लाइन खींचेगी तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये मेरा एल्टीट्यूड लाइन दिख रही है मेरे को, ये मेरी एल्टीट्यूड वाली लाइन है। सो ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 90 डिग्री है। सो ये मेरा क्या है? एल्टीट्यूड। ये मेरा एल्टीट्यूड है, ये आर, आर बी पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो आर बी इज द एल्टीट्यूड। सिमिलरली यहां पे ये वाला, तो ये लाइन तो मीडियन थी और ये समथिंग यहां कहीं जाएगी, तो ये मेरा क्यू सी, ये मेरा एल्टीट्यूड है। समझ आ गया डिफरेंस एल्टीट्यूड और मीडियन के बीच में? बहुत जरूरी है डिफरेंस पता होना। मैंने भी यार ट्राइंगल बनाया, इसमें आप मीडियन बनाओ, मीडियन आप कहोगे भाई साहब इसका मिड पॉइंट तो मेरा यहां कहीं दिख रहा है मेरे को, सो ये जो लाइन है, ये लाइन जो मेरी, ये है मेरा इसका मीडियन, अभी भी थोड़ा टेढ़ा बना है, कोई बात नहीं। और मैं कहूंगा अच्छा इसका आप एल्टीट्यूड बना के दिखाओ, एल्टीट्यूड ठीक है सर क्या होना है, ये इस पॉइंट से अगर मैं बना रहा हूं और मुझे इस लाइन पे, इसके अपोजिट साइड पे मुझे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस साइड का परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर तो यही होने वाला है, सो ये मेरा एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, और ये मेरा मीडियन है। यही बोलोगे ना आप, इतना पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो ये आप बहुत आसानी से बोल दोगे। चलो इतनी पॉइंट अगर आपके इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मुझे आपको क्या बताना था, आगे मुझे आपको जो बताना था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो वो आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको जाके दूसरी हमारी जो प्रीवियस वीडियो उसमें आकर जाके आप देख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो आपने देख ही ली होगी वीडियो तभी आप यहाँ पे आए हो। तो मान लो आपका ये ट्राइंगल है, वो मैं आपको बस एक जल्दी जल्दी ब्रीफ दे रहा हूँ, यहाँ का ट्राइंगल है और मैंने इस पर एक एक्सटीरियर एंगल खींच दिया, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है ई, और ये मेरी साइड्स हैं ए बी सी। तो जो सम ऑफ दो, जो मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ मेरे टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है, एंड टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। सिमिलरली यहां खींचता तो ये एंगल जो है वो इसके और इसके सम के बराबर होगा, सिमिलरली जो मेरा ये वाला एंगल होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये आपको मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपको नहीं आता है या आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले लास्ट वाली वीडियो देख लो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हमने लास्ट वीडियो में ही करे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। और एक बात आपको मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूं, सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी, जो ये तीनों साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल टू कितना होता है, ये तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सो ये भी आपको बता चुका हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है अगर, तो अब बढ़ते हैं एक नया पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आपके जो ट्राइंगल्स के एक तरीके से टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, आपके जनरली थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये आइडिया आई थिंक आपको पता भी होगा। थ्री साइड, थ्री टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? पहला आपका होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड आपका होता है आइसोसेलीस ट्राइंगल, आइसोसेलीस ट्राइंगल। और थर्ड आपका होता है स्केलीन। यही आपके ट्राइंगल्स होते हैं, तीन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलीस ट्राइंगल और थर्ड होता है आपका स्केलीन ट्राइंगल। ये तीन आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पता है। मैं आपको जल्दी से ब्रीफ दे देता हूं तीनों का क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक ट्राइंगल है, अगर एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड जो है, ये आपका ए बी बी सी एंड सी ए, ये थ्री, ऑल द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, जब वो ट्राइंगल जिसकी ऑल द थ्री, जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है, तो उस टाइप ऑफ ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल
ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये होता है आपका, क्या होता है आपका, इक्विलेटरल होता है। सो अगर आपके तीनों साइड्स इक्वल हैं, अगर आपके ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल एंगल ए लिख लो, एंगल बी लिख लो, एंगल सी लिख लो, ठीक है, जो आपके ये तीनों एंगल्स हैं वो तीनों क्या होंगे, वो तीनों भी आपके इक्वल होंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, जनरल सी बात है, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल ही होंगे, और अगर तीन ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, मतलब हर ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, क्योंकि 60 + 60 + 60 इज इक्वल टू कितना पता है, 180 डिग्री होता है, और आपका सम जो होना चाहिए वो 180 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और हर एंगल इक्वल टू कितना होता है, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका खाली इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट था, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद एक हमारा होता है आइसोसेलीस ट्रायंगल, ये एक आपका होता है आइसोसेलीस ट्रायंगल। आइसोसेलीस ट्रायंगल के भी आपका कुछ इक्विलेटरल जैसा ही बन गया है, कोई बात नहीं। आइसोसेलीस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके आपके दो साइड्स इक्वल होती है, कोई भी टू साइड्स आर इक्वल, यानी टू साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल है पर ये डिफरेंट है इसमें, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलीस ट्रायंगल कहते हैं। आपको दोबारा बना के दिखाता हूं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। ये मैंने दो बनाई और ये मेरा, ठीक है, इसमें आपकी ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और ये साइड जो है आपकी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसके आपके कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो साइड्स इक्वल होने की वजह से कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल्स इक्वल कौन से होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाली साइड जो है इस साइड की इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, बट ये वाला एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला डिफरेंट होगा। सिमिलरली इस केस में भी ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, तो ये दोनों साइड तो इक्वल है बट ये वाली साइड डिफरेंट थी, तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल है ये डिफरेंट होगा। ओके, सो आइसोसेलीस ट्रायंगल, ये आपका क्या है, आइसोसेलीस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एनी टू साइड्स आर इक्वल एंड टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स, जैसे ए बी सी है, सो एनी टू एंगल्स, द टू एंगल्स अपोजिट टू द टू साइड्स आर इक्वल, तो इस केस में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है, और एंगल ए जो है होगा हमारा वो डिफरेंट होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल ए हमारा डिफरेंट होगा, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी जो आपके बाकी एंगल ए है उस पर डिपेंड करेगा, एंगल बी एंगल सी कितना होता है, वो इसमें कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक आप वैल्यू नहीं दे सकते। आइसोसेलीस ट्रायंगल जरूरी नहीं है आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल हो, आपकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो सकती है आइसोसेलीस ट्रायंगल में, आपकी मैंने ये दोनों साइड्स अगर मैं इक्वल बना दूं किसी तरह, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने एक कुछ इस तरह का एक ये लाइन खींची और मैंने एक ये लाइन खींची और मैंने ये कह दी दोनों साइड्स इक्वल हैं, ऑफ कोर्स मेरी ये वाली साइड जो होगी वो डिफरेंट ही होने वाली है, ठीक है, सिमिलर, तो मेरे इस केस में ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, मैंने एक और फिगर बनाया जिसमें मैंने क्या करा, मैंने ये दोनों साइड्स इक्वल कर दी, सिमिलरली वो हो जाएगा, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आप उसको आइसोसेलीस कहोगे, तो आप उसको इसमें इक्विलेटरल में काउंट करोगे, तो आइसोसेलीस ट्रायंगल का मतलब आपको समझ आ गया है, कोई भी दो साइड्स इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट दो एंगल्स इक्वल, और थर्ड साइड और थर्ड एंगल इज डिफरेंट, ये हो गया आपका आइसोसेलीस ट्रायंगल, और आपका मैंने कर लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद मेरा थर्ड टाइप का ट्रायंगल आता है, थर्ड टाइप का ट्रायंगल है उसका नाम है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ये मेरा एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, इसकी मेरे तीनों साइड जो है डिफरेंट है, ये एंड ये, इसकी तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट है, सो इसके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स जो होंगे वो भी आपके डिफरेंट होंगे, सो इन दिस एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, इसको कहते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल, एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसको हम क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। नो साइड इज इक्वल, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता, ये टोटली इसके सारी साइड सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो इस पॉइंट के बाद आपको एंगल के तीनों टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल्स थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल,
इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड आपका स्केलिन ट्राइंगल, ये तीनों आपके साइड, तीनों एंगल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं हम। ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज आपके ट्राइंगल की, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में स्टार्ट कर रहा हूं। उससे स्टार्ट करने से पहले एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है वीडियो के बीच में, वीडियो के वीडियो पूरी वीडियो में कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछ लेना। मैं टॉपिक को जल्दी जल्दी क्लियर करूं क्योंकि छोटे से टॉपिक है, कुछ है इस टॉपिक में, इसलिए जल्दी जल्दी पॉइंट्स को क्लियर करते जा रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर 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 पूछ लेना। और हाँ, वीडियो को प्लीज शेयर भी करो बहुत ज्यादा जितना हो सके, ठीक है। अच्छा चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल की। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, यही प्रॉपर्टी है एक, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है, मतलब आपका ट्राइंगल है ए बी सी। सो इस ट्राइंगल में जरूरी नहीं आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या जरूरी नहीं है स्केलिन हो, या आइसोसेलेस, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर कोई भी ट्राइंगल है, थ्री साइड है और ट्राइंगल है, तो उस केस में, उस ट्राइंगल में आपकी जो दो साइड होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ए बी है और बी सी है, ठीक है, और थर्ड साइड कौन सी है आपकी ए सी है, ये तीन साइड है। तो ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये आपका ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि एक ट्राइंगल में कोई भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड उठा लो और उनका जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से, वो सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दो साइड्स हैं उनका अपना ऐड कर दिया और वो तीसरी साइड से छोटा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा हमेशा आपका जो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल होगा वो थर्ड ग्रेटर देन द थर्ड साइड होगा। सो सिमिलरली वही मैं कह रहा हूं कि ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए सी, सिमिलरली ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी सी, एंड सिमिलरली ए सी प्लस बी सी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको तीन साइड्स होती है ना, वो आपको क्वेश्चन दे देगा पर आपकी तीनों साइड्स जो है ना वो आपकी मैच ही नहीं, वो आपके होता ही नहीं है, मतलब एक ट्राइंगल बना ही नहीं रहती है तीनों साइड्स। वो एग्जाम्पल आपको उसने बोल दिया मेरे एक साइड है वन, एक साइड है टू और एक साइड है फोर, इस अब ये ट्राइंगल बनाओ, तो ये आपका ट्राइंगल है ही नहीं एक जिसकी साइड वन टू और फोर हो। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं वन प्लस टू थ्री इज नॉट ग्रेटर देन थ्री इज लेस देन फोर, तो आपका ये ट्राइंगल यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कुछ जिसमें आपकी वन टू फोर साइड यूज हो रही होंगी और आपको कुछ कैलकुलेट करने का बोल देगा, पर हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में थ्री ये जो ट्राइंगल की जो साइड है वो ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर रही है। सो इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके जो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी शेप का ट्राइंगल हो, हमेशा ये प्रॉपर्टी वो ट्राइंगल फॉलो करेगा, ठीक है। ये होगी आपकी एक प्रॉपर्टी। अच्छा सेकेंड चीज देखो, अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ का एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा एक ट्राइंगल है तो जो आपका ये 90 डिग्री है ना, उसके अपोजिट साइड पर हमेशा ये स्लैंटिंग साइड होगी, पहली बात, ठीक है। या एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसकी एक एंगल कोई एक साइड जो है वो 90 डिग्री होती है, उसका हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं ना। तो आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो क्या है, आपकी स्लैंटिंग साइड है, और इस साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, इस साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो आपका ये नीचे होता है इसको हम बेस कहते हैं, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपकी परपेंडिकुलर साइड है, ये आपकी बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज, आप थोड़ा रोटेट कर दोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा यही रहने वाला है, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है, एक जो ये स्लैंटिंग साइड होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कि हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर होता क्या है। अगर अब एक मेरा एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, आई थिंक ये थ्योरम तो सबको पता होगा, सब लोग जनरली इस थ्योरम को यूज करते ही रहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो आपका इस थ्योरम के अकॉर्डिंग थ्योरम क्या कह रहा है कि जो आपका ये वाला साइड, जो आपके हाइपोटेन्यूज है ए सी,
जो आपको ये हाइपोटन्यूज है, जो इसका स्क्वायर है वो हमेशा किसकी इक्वल होगा, वो हमेशा दोनों जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जो आपकी जो हाइपोटन्यूज है वो हमेशा किसकी इक्वल होगी, दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगी। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। समझ आ गई ये बात समझ आई कि पाइथागोरस थ्योरम समझ आ गया क्या है? ये आपका सिर्फ किसके लिए है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। राइट एंगल ट्राइंगल जो आपका हाइपोटन्यूज थ्योरम है, ये हमेशा आपका सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होता है, किसी स्केलिन या फिर किसी और ट्राइंगल के लिए यूज मत कर लेना। अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो इसके जो एक साइड होगी वो हमेशा 90 डिग्री होगी और ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रहा है, दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, दैट ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने स्क्वायर हटा दिया, आपने अंडर रूट लगा दिया, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस है। मैंने क्या करा, यहां से अंडर रूट हटा दिया, यहां स्क्वायर हटा दिया, तो मैं यहां पे एक अंडर रूट लग गया, तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इतना समझ आ गया। अब इसमें आपका क्या रहता है, आपका पाइथागोरस थ्योरम आपको समझा दिया, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन हैं वो जल्दी समझाता हूं। अब मान लो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसकी एक साइड आपका क्या है 3 है, एक साइड आपकी 4 है। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया कि जो थर्ड साइड है वो बताओ मेरे को क्या होगी, तो बस कुछ नहीं, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसमें हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज कर सकता हूं। हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या है मेरा, वो पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या है, दैट जो ये साइड है ए बी एंड सी, जो ए सी है, दैट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी सी कितना है 4 है, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 3 3 9 प्लस 4 4 16। ठीक है, 9 प्लस 16 कितना होता है, 9 प्लस 16 आपको होता है 25, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इट इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 25 कितना, 5, तो ए सी मेरा कितना आ गया, 5 आ गया, तो ये जो साइड है ये 5 होगा इसका आंसर। समझ आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से और है क्या, यही है पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल सा है ना। अब कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझते हैं, सो क्वेश्चन देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन देखो, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, 15 मीटर की सीढ़ी है, सीढ़ी होती है ना चढ़ने वाली, अब 15 मीटर की, 15 मीटर लॉन्ग सीढ़ी की लेंथ कितनी है, 15 मीटर है। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ और समझते जाओ। 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, ठीक है, रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, एक विंडो है जो कि ग्राउंड से 12 मीटर की ऊंचाई पे है। तो यहां पे मेरी एक विंडो है, ये मान लो एक मेरी विंडो है और ये मेरा ग्राउंड पॉइंट, ये है, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है, एक 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ये मतलब यहां हमारी विंडो है, यहां जो ग्राउंड से इसकी लेंथ कितनी है 12 मीटर है। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ आ गया। और 15 मीटर लॉन्ग लैडर, एक सीढ़ी है 15 मीटर की है, ठीक है, उसका कुछ बताया नहीं है तो उसको अभी अभी हम कहीं प्लेस नहीं कर रहे। रीच्ड अ विंडो मतलब विंडो पे आई है, 12 मीटर हाई विंडो, 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, मतलब 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड एक विंडो है मेरी, ठीक है, फ्रॉम द रीच द विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल, मतलब हमने करते ना वो सीढ़ी होती है उसको हम दीवार के सहारे लगा देते हैं, वही क्वेश्चन ने बोला है कि 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, मतलब मैंने दीवार के सहारे सीढ़ी को ऐसे लगा दिया, ये मेरी मान लो सीढ़ी है, मान लो ये मेरी लैडर है, ठीक है, ये आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तो ना को समझाने के लिए मारा करा है, वरना कुछ नहीं होता, आपको क्या करना होता है, यही ऐसी क्वेश्चन दिए होते हैं, इसको आपको सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन से बनाओ और कैलकुलेट करो। और इस सीढ़ी की लाइन मेरे को कितनी बता रहा है, 15 मीटर। आप समझ आ गया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया बिना क्वेश्चन करे, देखो बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो, विंडो पे आई, ठीक है, रीच अ विंडो 12 मीटर हाई, जो कि 12 मीटर हाई है फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ए, ठीक है, मतलब बाय प्लेसिंग इट अगेंस्ट द वॉल एट अ डिस्टेंस, मतलब यहां से डिस्टेंस ए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर, फुट ऑफ लैडर ये है फ्रॉम द और वॉल ये है, और ये मेरा क्या है डिस्टेंस ए है, तो मुझे ए ही निकालना है। यही था क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, आप सबको आता है ये ऑलरेडी, क्या होगा
दिस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, ये आपका 90 डिग्री, ये है, ये 90 डिग्री है और ये आपका ए बी सी, मैंने साइड लिख दी, ये आपका अपोजिट इसका हाइपोटन्यूज है, तो हाइपोटन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए सी स्क्वायर प्लस डी बी सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी कितना है आपको, ए बी स्क्वायर में आपको ऑलरेडी गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी आपको ऑलरेडी गिवन है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर आपको निकालना है, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी स्क्वायर आपको यही निकालना है, इट इंप्लाइज दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 81, सो बी सी स्क्वायर 81, इट इंप्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9981, ओके बी सी इज इक्वल टू 9, मतलब जो मेरी ये लेंथ थी ए, ये मेरी 9 मीटर थी, अगर मैंने 9 मीटर की दूरी पे सीढ़ी रखा वॉल करके लीन करी तो वो मेरे डायरेक्ट विंडो पे पहुंच जाएगी, दिस इज योर आंसर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बताओ कुछ भी था इस क्वेश्चन में, इतना सभी अगर कुछ डाउट आया हो उस क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया होगा, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एक ट्री है जो कि ग्राउंड से 5 मीटर की ऊंचाई पे टूट गया, ठीक है बड़ा सा ट्री है जो कि 5 मीटर की ऊंचाई पे जाके वो टूट गया, एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, फाइंड ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, एक ट्री था ठीक है, मेरा एक ट्री है ठीक है, ऐसे मेरा एक ट्री है ना, जो और ये मेरा ट्री का बेस है, जो ये ट्री है मेरा यहाँ से 5 मीटर की ऊंचाई पे जाके यहाँ से टूट गया, मान लो किसी ने काट गया है टूट गया, जब मान लो यहाँ से ट्री थोड़ा सा टूटा तो जाके ऐसे ही गिरेगा ना, ऐसे यहाँ नीचे गिरेगा, ऐसे गिरेगा मतलब यार जो पोर्शन होगा ये जाके लकड़ी यहाँ पे मेरा ये पोर्शन ऐसे गिर जाएगा, तो ये मेरा ट्री था ये मेरा ऐसे गिर गया और यहाँ पे मेरा नीचे आ गया ठीक है, ग्राउंड पे आके गिर गया, अब क्या बोला ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ, ये मेरे 5 मीटर हाइट पे जाके टूटा था, हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, ये इसका टॉप था टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री, मतलब बेस से जो ये बेस था इससे 12 मीटर की दूरी पे जाके ये ग्राउंड पे टच हुआ है, जो इसका टॉप था वो बेस से 12 मीटर की दूरी पे जाके 12 मीटर की दूरी पे जाके ग्राउंड से टच हुआ है ठीक है, ठीक है इतना पॉइंट तो क्लियर है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, नाउ फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब जो ये पूरी लेंथ थी ओरिजिनल हाइट थी वो बतानी है मेरे को, तो ओरिजिनल हाइट कितनी होगी, दिस प्लस दिस, ये ओरिजिनल हाइट हो जाएगी, और जो ये वाली लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल है ना, जो ये वाली लेंथ है यही तो आके नीचे गिरा है तो ये इसके बराबर है, तो अगर मैं ये और ये मैं निकाल लूं, ये मुझे ऑलरेडी पता है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू मेरी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी, यही मुझे करना है, अब देखो क्या था क्वेश्चन, ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, तो ये मेरा कितना था 5 मीटर, ये आपको मुझे को दे रखा है कि 12 मीटर की दूरी पे जाके वो गिरा है, तो ये 12 मीटर है ये 5 मीटर है और ये मेरा बाकी का पोर्शन ट्री का जो टूट के गिरा है नीचे, ये मेरा बाकी का पोर्शन ट्री का जो टूट के गिरा है, ये मुझे निकालना है, अगर मैंने ये निकाल लिया तो मेरे ट्री का बचा हुआ पोर्शन और ट्री का एक पोर्शन गिरा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ट्री की ओरिजिनल हाइट मुझे मिल जाएगी, तो ये मैंने लिख दिया ए बी सी और यहाँ पे मुझे ए सी निकालना है, जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम बनाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ठीक है, तो ए सी स्क्वायर 25 प्लस 12 सो ये आपका 5 9 और तो 6 और 169, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 169, इट इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल टू कितना हो गया आपका, ए सी आपका कितना हो गया 13 मीटर, 13 का स्क्वायर होता है ना, सो जो ये लेंथ थी आपकी कितनी आ गई 13 मीटर हो गई, अब मेरे पास लेंथ आ गई ए सी इज इक्वल टू 13 मीटर और मुझे ए बी दे रखा था 5 मीटर और मेरी ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी थी, ट्री की जो ओरिजिनल हाइट थी वो थी ए सी प्लस ए बी, ओरिजिनल तो यही थी ए सी, ये सीधा खड़ा था तो ए सी प्लस ए बी, सो ट्री की जो ओरिजिनल हाइट होगी वो कितनी होगी, ए सी मेरे 13 है, ए बी ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी होगी, ट्री जो मेरा ए सी है ये मेरा 13 है, ए बी मेरा 5 है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 18 मीटर ठीक है, दिस इज माय ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, दिस इज माय आंसर, बस और कुछ क्या था क्वेश्चन में, अगेन कुछ भी नहीं था ना क्वेश्चन में, कुछ लगा हल्का सा भी भाई, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी डिफिकल्ट होगा है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन और देखते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे, सो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ रेक्टेंगल Where L is 40 सेंटीमीटर, diagonal is 41 सेंटीमीटर, एक पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है मुझे, ये मेरा रेक्टेंगल था, ये आई थिंक मेरे क्वेश्चन में गिवन था, कोई बात नहीं मैं बना देता हूँ आपके लिए,
ठीक है, ये आपका ए बी सी। ओके, अब मुझे क्वेश्चन में बोला कि मुझे इस पेरीमीटर का, इस रेक्टेंगल का, जो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, और वेयर एल, जो ये एल है, जो ये साइड है, ये मुझको 40 सेंटीमीटर गिवन है, और जो डायगोनल है मुझे 41 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ये बोला है मेरे से। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी मुझे एक साइड मुझको गिवन है जो कि 40 सेंटीमीटर है, और एक डायगोनल गिवन है जिसका 41 सेंटीमीटर है। अब मुझे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने से पहले, सबसे पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर पता होना चाहिए कि क्या होता है। पेरीमीटर होता है ऑल द सम ऑफ ऑल द साइड्स, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इसको शॉर्ट में ये आपके, क्योंकि पेरीमीटर जो रेक्टेंगल होता है उसके टू अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको हम इजी करने के लिए टू टाइम्स एल प्लस बी भी लिख देते हैं, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ और इसका डबल, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, तो ये मुझे निकालना है। अच्छा, मेरे पास लेंथ तो गिवन है 40 सेंटीमीटर, एल मुझे गिवन है ना 40 सेंटीमीटर, मुझे ब्रेथ निकालनी, मुझे ये वाली साइड निकालनी है। अगर मुझे ये वाली साइड पता चल जाए तो मैं इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन इस साइड को पता करने के लिए मेरे को एक पॉइंट और दिया रखा है क्वेश्चन में, जो कि ये डायगोनल है। मुझको बता रखा है कि जो डायगोनल है इसकी लेंथ 41 सेंटीमीटर है, और एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब जो ये वाली साइड होगी वो मेरी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। अब तो क्वेश्चन हो गया ना, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसकी एक साइड मुझे गिवन है, इसका हाइपोटन्यूज मेरे को गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और बेस मैं निकाल सकता हूं। सो कितना होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, और ए सी स्क्वायर मुझको पता है 41, सो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, भी मेरे को पता है ना, ए बी तो मुझको निकालना है, सो ए बी मेरे का, मैं ए बी को मैंने बी लिख दिया, सो बी का स्क्वायर प्लस बी सी मेरे को गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं दैट बी इज इक्वल टू, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख देता हूं फिलहाल, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होगा आपका, होगा 1681 माइनस 40 का स्क्वायर होगा 1600 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 81। तो यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू 81 है, इट इंप्लाइज दैट बी, जो ये ब्रेथ है, जो ये बी है, ये जो लेंथ है ये वाली, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो मुझे ये वाली साइड मुझे पता चल गई कितनी है, 9। अब मुझे पेरीमीटर निकालना था यहां से, तो पेरीमीटर निकालने के लिए मुझको लेंथ पता है, अब लेंथ मेरी कितनी है, लेंथ मेरे को गिवन है 40, मेरे को ब्रेथ भी पता चल गई है कितनी है 9, तो 40 प्लस 9, ठीक है, और इसको क्या करना है, टू टाइम्स करना है, तो 49 इज इक्वल टू, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 टाइम्स इनटू 49 इज इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स 18, 1 2 4 98, सो 98 इज योर आंसर। समझ आ गया, मुझको पेरीमीटर निकालना था, मुझे एक साइड पता थी, मुझे डायगोनल पता था, मुझे एक साइड पता थी और डायगोनल पता था, तो मैंने इससे क्या करा, मैंने सबसे पहले इससे अपने लिए मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझको ये वाली साइड निकाली। अब मुझे ये वाली साइड पता चल गया, ये वाली साइड पता चल गया है, दो साइड मुझे रेक्टेंगल की पता है, अपोजिट साइड मेरी इक्वल होती है, या तो सबको ऐड कर दो, या मेरे सिंपल टू टाइम्स एल प्लस बी फॉर्मूला लगा दो, उससे मेरा 98 आंसर आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन था कुछ भी, इसमें भी कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करेंगे लास्ट। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये आपके डायगोनल्स हैं एसी और बीडी, ये आपके डायगोनल्स है ना, एसी और बीडी आपके डायगोनल्स गिवन है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द पेरीमीटर, इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है। चलो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप होमवर्क में करके आओगे, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था उससे ज्यादा डिफिकल्ट डिफरेंस नहीं है। एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ डायगोनल की, अगर रोम्बस की अगर आपको नहीं पता है, रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ये मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये आपकी हिंट है, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी हिंट है, यही हिंट है जो आपका क्वेश्चन पूरा कर देगी। क्या हिंट है, हिंट आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं भाई, हिंट क्या है कि जो आपके जो डायगोनल के जो ये बाइस, ये जो ये रोम्बस के जो ये डायगोनल्स है, ये जो है आपस जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, ये हिंट है मेरी, और बाइसेक्ट कर रहे हैं जब ये, तो ये मेरा 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं आपस में, ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर
एट 90 डिग्री, मतलब जो ये बाइसेक तो कर रहे हैं ठीक है, और ये साथ में 90 डिग्री एंगल भी बना रहे हैं। तो आपको 90 डिग्री पता चल गया, आपको साइड्स का बाइसेक्ट हो रहा है यही पता चल गया, तो आप आराम से पेरीमीटर साइड्स निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के पेरीमीटर निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दे रखे 630 सेंटीमीटर डायगोनल्स दे रखे, मुझे डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं और ये हिंट है, और पेरीमीटर निकालना है आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, आज आपकी वीडियो ये आपकी लास्ट वीडियो, ये आपकी वीडियो फिनिश हो गई, लास्ट क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक से एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि ट्राइंगल का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है वो, जिसका नाम है कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे हम ट्राइंगल की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। मैं आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी कुछ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि जनरली लोगों को, बच्चों को समझ भी नहीं आती है, वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से उनको डाउट ही रहता है उसमें, बचपन में बहुत पहले पढ़ी होती है और तब भी क्लियर नहीं होती है वो, तो वो हम कल नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें क्लियर कर देंगे आपके उस डाउट्स को। बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज उस वीडियो को भी बिल्कुल मत छोड़ना, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आज की वीडियो आपकी फिनिश हो चुकी है, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, और प्लीज देखते रहिए हमारी वीडियोस एंड फॉलो अस। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।